नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज की क्लास है करंट अफेयर, पहला क्लास होगा, 6:30 बजे की क्लास रहेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास रहेगी, डेली क्लासेस। सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक और ADO सहायक विकास विस्तार अधिकारी और आने वाला है अमीन पटवारी, यानी कि सभी सरकारी एग्जामों की यानी कि CGVAPAM की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आज की करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है जो कि जून जुलाई का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है संभावित प्रश्न है, 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। साथ ही दोपहर 12 बजे की क्लास होती है, सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक, दोपहर 12 बजे की क्लास होगी ऑनलाइन इसी यूट्यूब चैनल पर। क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी जुड़ जाइएगा। अगर काफ़ी स्टूडेंट को लिंक शेयर कर सकते हैं तो आपके, चलिए लाइव हो गया ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जुलाई 2022 के लिए है, सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट हो चुका है, जुड़ जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न है, राज्य में पहली बार ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है या किया जाएगा, ठीक है। राज्य में पहली बार ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसका आंसर जगदलपुर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जगदलपुर होगा। जगदलपुर से लगे शहर तुरेनार में लगभग 1 करोड़ की लागत से ग्रामीण औद्योगिक पार्क को बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिला समूहों को रोजगार की नई गतिविधियों से प्राप्त या जोड़ा जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, जो आगामी एग्जाम सब इंस्पेक्टर छात्रावास अधीक्षक और ADO और आने वाला है अमीन पटवारी, यानी कि सभी के लिए करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन है कि पिछले 1 साल में गोपालकों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि पिछले 1 साल में गोपालकों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, तो इसका आंसर होगा 26%। कौन सा होगा, 26% होगा इसका आंसर। देखिए या अब आपको इम्पोर्टेंट है, गोबर खरीदी अब सरकार द्वारा 5 रुपये किलो में खरीदे जाने का प्रस्ताव है। पहले कितने में खरीदा जाता था, 2 रुपये में, अब गोबर की खरीदी कितने करेगी, 5 रुपये किए जाएंगे, सरकार की तरफ से खरीदे जाने का प्रस्ताव है। गोधन न्याय योजना में लाभ पाने वालों की संख्या 1,68,531 से बढ़कर 2,11,540 हुई है। कितनी हुई है, 2,11,540 हो गई है, ठीक है, ये नोट करके चल लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब 5 रुपये किलो हो गया है, ठीक है, प्रस्ताव हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन देखेंगे ना छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से। खैरागढ़ की इंदिरा संगीत कला एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में और किस स्थान पर विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है ना। तो खैरागढ़ में इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय है, तो अभी स्थान पर आगामी विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कहाँ की जा रही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, रायगढ़। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में भी एक संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना छत्तीसगढ़ की क्लासेस करंट अफेयर। चौथा क्वेश्चन है, 113वां अखिल भारतीय रामनामी में बड़े भजन का मेला 2022 में किस जिले में आयोजन किया जा रहा है, तो किस जिले में आयोजन किया जा रहा है, चलिए कमेंट कीजिए, जांजगीर चांपा, ठीक है। देखिए जांजगीर चांपा में 113वां अखिल भारतीय रामनामी बड़े भजन का मेला 2022 में आयोजित किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इनका टिप है ना इम्पोर्टेंट। आयोजन की तिथि है 14 जनवरी 2022 को ग्राम मोहतरा, कहाँ, ग्राम मोहतरा में, माल खरौदा विकासखंड जांजगीर चांपा में था, लेकिन 2023 में इस मेला का आयोजन ग्राम चंदली डीह बिलाईगढ़ विकासखंड में होगा, कहाँ होगा, चंदली डीह बिलाईगढ़ विकासखंड में, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पोषण माह अभियान छत्तीसगढ़ में किस माह आयोजित किया जाता है, चलिए कमेंट कीजिएगा,
इसका आंसर सी होगा, सितंबर माह में किया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह अभियान। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा इसको, 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर माह में। ठीक है, पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। 2021 में आयोजन किया जाएगा। कब? 1 से 30 सितंबर 2021 में आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है आयोजक की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा है, और उद्देश्य है कुपोषण एवं एनीमिया की कमी लाना। ठीक है, और नारा है कुपोषण छोड़ो पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 श्रेणी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किताब किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में श्रेणी के बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। देखिए 20-21 नवंबर 2021 को इस अवार्ड का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारा, MRF नेशनल सुपर कास्ट बाइक रेसिंग चैंपियन 2022 का आयोजन किस तिथि को किया गया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा 5 से 6 मार्च 2022 तक। कब होगा? 5 से 6 मार्च 2022 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, कि स्थल आउटडोर स्टेडियम रायपुर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, आउटडोर स्टेडियम रायपुर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? ईश्वरी निषाद। ईश्वरी निषाद ने 13वां फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। कहाँ की है तो देख लीजिएगा, यहाँ नोट कीजिएगा, महासमुंद जिले की दृष्टिबाधिक धावक है। कहाँ की है? महासमुंद जिले की दृष्टिबाधिक धावक। मार्च 2022 में दुबई में आयोजित चैंपियन में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन क्या है? तो छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल स्पोर्ट एप्लीकेशन क्या है? CG स्पोर्ट। कौन सा है? आंसर भी होगा CG स्पोर्ट। मई 2021 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के खेल व खिलाड़ियों को, देखिए खेल व खिलाड़ियों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर से आपका कम्प्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI 2021 किस राज्य को सबसे अधिक गरीबी होने का स्थान मिला है? तो किस राज्य को मिला है? चलिए आंसर कीजिएगा, बिहार। बिहार राज्य को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक NMPI 2021 को सबसे अधिक गरीबी का स्थान मिला है। कौन सा राज्य को? बिहार। ठीक है, चलिए जारी की तिथि की बात करें तो देखिए जारी की तिथि है यहाँ पर, जारी की तिथि है यहाँ पर होगा 26 नवंबर 2021 को जारी करता है नीति आयोग की तरफ से, और शीर्ष स्थान है बिहार। बिहार में 51.91% आबादी गरीब की है। छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां है 29.91%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो केरल है, सबसे कम गरीब राज्य है। देख लीजिए यहाँ पर जारी की तिथि 26 नवंबर 2021 को है, शीर्ष स्थान बिहार है सबसे ऊंचा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है 7वां, और सबसे कम गरीब राज्य है तो केरल है 0.71%। ठीक है, गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा देखिए, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों के प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर केरल ही होगा। ठीक है, अभी मैं बताया केरल है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां, स्कोर कितना है? स्कोर कितना है देखिए यहाँ पर 50.70। ठीक है, 15.70। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ प्रदेश में ISFR 2019 से 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण की वृद्धि दर कितनी की गई है? जो वनावरण में जो वृद्धि कितनी हुई है तो उसका आंसर होगा 106.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो मिलेट मिशन के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है, चलिए कमेंट कीजिएगा ना, इसका आंसर होगा 14 जिला। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत 14 जिले को शामिल किया गया है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, GPM, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, ठीक है, 14 जिलों को छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत जिलों को शामिल किया गया है। वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, डेली क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। डेली क्लासेस होता है दोपहर 12 बजे की, करंट अफेयर 6:30 बजे की। आज की क्लास लेट चल रही है ना, 7:30 बजे बोला था, 6:30 बजे की, तो 1 घंटा आगे पीछे रहता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन कब किया गया है, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका पहला, 17 अक्टूबर 2021 को। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर 2021 को टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए इसका नोट कर लेते हैं इसको, राज्य में चाय कॉफ़ी कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चाय कॉफ़ी को। अध्यक्ष है कृषि मंत्री, उपाध्यक्ष उद्योग मंत्री, याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष कौन है? कृषि मंत्री, उपाध्यक्ष उद्योग मंत्री, है ना। देखिए यहाँ पर आगामी 3 वर्षों में 10,000 एकड़ में चाय कॉफ़ी की खेती का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, कौन सा स्थान मिला है, बी आएगा ना, द्वितीय स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में, द्वितीय स्थान मिला है। देखिए पहला राज्य किसको मिला है, प्रथम किसको मिला है, पहला राजस्थान ना, राजस्थान, ठीक है, 87.8%, छत्तीसगढ़ 71% है, जबकि राजस्थान 87.8% है, नोट कर लीजिएगा इसको, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, व्यापम की तैयारी करने वाले के लिए ये खास वीडियो है। वीडियो को शेयर करके रख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, काफ़ी स्टूडेंट को लाभ मिल सकेगा। देखिए विदित होगा छत्तीसगढ़ हेल्थ आईडी कार्ड बनाने, NCD स्कोनिंग एवं वेलनेस एक्टिविटी में पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है राजस्थान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में पार्षद पद हेतु 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर निर्धारित खर्च सीमा कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर, चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, 5 लाख ना। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में पार्षद पद हेतु 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर 5 लाख निर्धारित खर्च सीमा रखी गई है, कितनी रखी गई है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि 3 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख रुपया और 1.5 लाख तक नगर पालिका में 50,000 रुपया तथा नगर पंचायत क्षेत्र तक, ठीक है, नगर पंचायत क्षेत्र तक। देखिए 17 क्वेश्चन है, मतलब 17वां क्वेश्चन ना, 25 क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर आगामी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में पंचायत प्रतिनिधि के लिए सरपंच पद हेतु किस रंग का मत पत्र में मतदान किया जाता है? तो पंचायत प्रतिनिधि के लिए सरपंच के पद के लिए, ठीक है, जो किस रंग का मतदान पत्र मतदान किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नीला, इसका आंसर नीला होगा। पंच के लिए सफ़ेद है, जनपद पंचायत ये सॉरी जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत के लिए गुलाबी कलर, नोट कर लीजिएगा ना, ADO के लिए, ये ADO एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ से, आपको याद रखना होगा पंच के लिए कौन सा कलर है, जनपद सदस्य के लिए कौन सा है और जिला पंचायत के लिए कौन सा है।
सरपंच के लिए तो मैं बताया अभी नीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ के राज्य पुलिस अकादमी का नया नाम किस नाम पर रखा गया है? आ सकता है ना संभावित, छत्तीसगढ़ के राज्य पुलिस अकादमी का नया नाम किस नाम से रखा गया है? तो इसका आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए चंद्रखुरी में केंद्र है, चंद्रखुरी में है जो केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद, ठीक है। केंद्र की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है, 75 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए छत्तीसगढ़ में कितने स्टोरीज पर एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए इसका आंसर, चलिए कमेंट कीजिएगा। आपके लिए एक प्रश्न भी रहेगा ना, छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन दूंगा मैं। 75 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए छत्तीसगढ़ में कितने स्टोरीज पर एक पुस्तक प्रकाशित किया जा रहा है? चलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए आ सकता है, संभावित ना, जो भी क्लास चल रहा है संभावित है, करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर कौन सा होगा? तीन, पहला आएगा ना, तीसरा तीन आएगा इसका, ठीक है। तीन पुस्तक प्रकाशित किया जा रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी किया गया है, और 75 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शामिल है। और छत्तीसगढ़ के डीजीपी में देखिए यहाँ पर बुलटू के बोल, यानी कि ऑफलाइन शिक्षा के लिए ब्लूटूथ आधारित ई शिक्षा का समाधान गोधन न्याय योजना, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, तो चलिए बताइएगा कौन से स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा बी, 16वां स्थान। 16वां स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2020-21 हेतु जारी रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय को, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इसे 2019-20 के लिए 23वां स्थान प्राप्त था, 19-20 में 23वां स्थान, ठीक है। चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेटोरियम तारामंडल राज्य के किस जिले में लोकार्पणन किया गया है? लोकार्पणन किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 21 का सी हो जाएगा, बिलासपुर में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेटोरियम बिलासपुर राज्य के लोकार्पण किया गया है, किस जिले में? बिलासपुर में। देखिए फरवरी 2022 में मुख्यमंत्री द्वारा ब्राह्मण और खगोल शास्त्र के जानकारी के अनुसार, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने हवाई अड्डा वर्तमान में हैं? तो अभी वर्तमान में कितने हैं छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डा, चलिए बताइए इसका हवाई अड्डे कितने हैं? इसका आंसर होगा सी, तीन। छत्तीसगढ़ में तीन हवाई अड्डा है वर्तमान में, ठीक है। कौन कौन से हैं तो चलिए देखेंगे, बिलासा देवी केवटीन हवाई अड्डा कहाँ है? बिलासपुर में। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में, और माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में। अब हवाई की जो पट्टियाँ हैं छः हैं, कितनी हैं? छः। छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग कहाँ पर प्रस्तावित हुआ है? संभावित है, याद कर लीजिएगा इसको, छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग कहाँ प्रस्तावित हुआ है? इसका आंसर ए होगा, कोंडागांव। कोंडागांव में पहली बार 4 लाइन सुरंग का प्रस्तावित हुआ है, ठीक है। कोंडागांव केश काल के वन क्षेत्र में गोविंदपुर में 2.50 किलोमीटर लंबी सुरंग का बना है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में दु फसली हेतु क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है? तो कौन सा जिला प्रथम है दु फसली क्षेत्र के लिए ना, दु फसली क्षेत्र के लिए कौन सा है प्रथम, चलिए बताइएगा। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव देखिए यहाँ पर दिया गया है, हेक्टेयर न्यूनतम विजयपुर में कितना है? 74 हेक्टेयर है ना न्यूनतम। राजनांदगांव का देखिए यहाँ पर, देखिए राजनांदगांव के लिए 1,75,029 हेक्टेयर दिया गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपके लिए प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए ही प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? हेमंत वर्मा, तेज कुंवर नेताम, महेंद्र सिंह छाबड़ा, गुरुदीप सिंह सलूजा। कौन सा होगा इसका आंसर? हेमंत वर्मा, तेज कुंवर नेताम, महेंद्र सिंह छाबड़ा, गुरुदीप सिंह सलूजा। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली क्लासेस होती है, सब इंस्पेक्टर, छात्रावास अधीक्षक, एडीओ, खासकर ये तीनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है ना इस वीडियो पर। 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया है करंट अफेयर। 6:30 बजे, 7 बजे की क्लास रहेगी, दोपहर 12 बजे की सब इंस्पेक्टर और छात्रावास की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही ना। बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, याद कर लीजिएगा इसको। एक बार में याद नहीं होगा तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो, दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही ना। कमेंट कीजिए आज के लिए इतना ही। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए ना, थैंक यू।